Okay, have you taken the screenshot for this part? Are you done with the screenshot of this part? हो जाए तो मुझे बता दीजिए so that I can scroll down. थोड़ा सा ही है, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन क्योंकि इतना छोटा नहीं है कि एक ही स्क्रीन पर आ जाए, एक ही स्क्रीन पर दिख जाए. So that's why I have to scroll down. Are you done with the screenshot for this? Okay, at least response or yes or no. Have you taken the screenshot of this portion? Students, are you able to speak, hear my voice? Have you taken the screenshot or yes, not? Ma'am. Yes, ma'am. चलिए ले लिए हैं तो एक बार हाँ ना भूल दीजिए करिए, ठीक है? ओके, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. यस, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. एटलीस्ट यू कैन टेक फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ से यहाँ तक का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन आई विल स्क्रॉल इट डाउन ताकि ये वाला पैराग्राफ पूरा दिख पाए आपको. यस मैम, यस मैम, ले लीजिए. ओके, डन. Then this is your part for last part for your paragraph. The last paragraph hai aapka. Done, ma'am. Okay, if you're done with the screenshots, start reading the paragraph. Theek hai? You have, let's say, 5 or 10, let's take 10 minutes. Theek hai? 10 minute achhe se padhiye, paragraph pura samajhiye. One by one, we'll understand the paragraphs, then we'll answer the questions. Jada questions nahi hai. I believe only 5 questions are there. Theek hai? 5 ki question hai. 5 question ko hum log answer karenge once we have gone through the paragraph. Philosophy of education is the label applied to the study of the purpose, process, nature, and ideals of education. If you don't understand anything in this paragraph, you can ask me. कोई भी paragraph में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you can ask me. And let's read together. And if I might give you some pointers, जब भी आप कोई भी passage वाला question solve करते हैं, especially when you are practicing. You are not being in the examination and you are at home practicing, ya class mein practice karo, try making notes about the passage. Chhota sa passage mein hota kya hai ki kuch kuch cheeze hoti hain jo aapko pata, to aapko pata rehta hai ki usse related question pucha ja sakta hai. Theek hai, try making notes of those things in particular paragraph. Is paragraph mein kiske bare mein baat ki ja rahi hai, इंट्रोडक्शन किस चीज का किया जा रहा है. बेसिकली एटलीस्ट मेन पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर मेन टॉपिक क्या है, किसके ऊपर बात की जा रही है. मैम आवाज लैग कर रहा है. मेरा आवाज लैग कर रहा है. इट माइट बी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज. ओके मैम. Have you read the paragraph whole? जितना भी पोर्शन सबने रीड किया है, अगर उसमें से किसी को भी कोई डाउट हो रहा है इन पर्टिकुलर्स, तो यू कैन आस्क मी, और एल्स यू कैन जस्ट लिसन टू द एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गिविंग यू. यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है, यहाँ पर मेन जो टॉपिक है दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ इज द फिलॉसफी. ठीक है,
फिलॉसफी जो है चाहे वो किसी भी फील्ड में सेक्टर में यूज होता है, ठीक है, नेचर में, एजुकेशन में, किसी भी ब्रांच में यूज होता है फिलॉसफी, तो इसका क्या यूज है एक्चुअल में हमारी लाइफ में और क्या इम्पोर्टेंस रहा है इन द पास्ट फ्यूचर, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. तो मेनी एजुकेशनिस्ट, मतलब यहाँ पर पहले तो ये बताया गया कि फिजियोलॉजी है क्या. फिजियोलॉजी इज अ पार्ट दैट इज एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज टीचिंग एंड लर्निंग स्किल ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स. तो ये नॉलेज और विजडम जो है, ठीक है, आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करते हैं ये भी जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग द पीजीडीएम स्टूडेंट बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उसमें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें किससे किस तरह बात की जाए, ठीक है, इतना वो सीख सकते हैं. वहाँ कहीं भी आप काम करने जाएंगे तो आप करीब 10 दिन में या 1 महीने में सीख जाएंगे कि किससे किस तरीके से आप बात करें. लेकिन क्या जरूरी है कि इन व्हाट वे आई कैन यूटिलाइज इट, लाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे. जैसे ही आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में आप एंटर करते हैं कंपनी में, एक एम्प्लॉय से जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वही एक्सपेक्टेशन आपसे भी रखी जाएगी. सो हाउ टू यूटिलाइज दैट नॉलेज एंड बिहेव प्रॉपरली, ठीक है. जैसे मैंने बताया था कि इंटरव्यू में कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है, प्रेशर से भी पूछे जाते हैं, एक्सपीरियंस से भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय से भी पूछे जाते हैं दैट इफ यू कैन गेन समथिंग फॉर योर कंपनी. मान लीजिए आपकी कंपनी में आपको कुछ काम करने के लिए बोला गया है एंड वो काम आपको विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करना है. नाउ इफ यू चूज द प्रॉपर वे, दैट मीन्स सही तरीका अगर आप चूज करते हैं, तो आपको हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम लगे और कुछ चीजें जो हैं वो बिना किसी अदर फैक्टर्स को इंक्लूड किए आप नहीं पा सकते हैं. इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज लिटिल मोर डिफिकल्ट देन इन थ्योरी, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं दैट थोड़ा सा अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो चीज सही है, क्योंकि एटलीस्ट जो काम करना था वो टाइम पे कंप्लीट हो गया, दैट इज द मेन मोटिव. उनका जो गोल था वो उन्होंने फाइंड कर लिया. तो यहाँ पर एथिक्स का जो बात हो जाता है दैट इवन इफ यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक, डजंट मैटर कि उससे आपकी कंपनी का फायदा हो रहा है, उससे आपका फायदा हो रहा है, कहीं भी आपको गलत आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एन अनएथिकल पर्सन एंड यू कैनॉट बी ट्रस्टेड, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है. तो फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी यही चीज होती है कि आपका जो भी स्किल है, मान लीजिए कि अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, अगर किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, तो आप उस चीज को किस तरह अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने ऑडियंस के बेनिफिट के लिए, उसे आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं और कैसे अपनी लाइफ आप आगे बढ़ाते हैं और किस तरह का इंफॉर्मेशन, किस तरह का आप नॉलेज जो है वो ऑडियंस की तरफ भेजते हैं, ये सारी चीजें आपकी फिलॉसफी में आ जाती है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द मेजर प्रोफेसर्स और यू कैन से द एजुकेशनल थिंकर, यानी कि कुछ जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री में कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ चीजें ऐसी कही थी जो सुनने में अजीब लगती है, बट इफ यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट विद एन इफेक्ट, विद एन इफेक्टिंग, मतलब इसका अच्छा इफेक्ट लेने के लिए एक इफेक्टिव वे में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि इसका बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़े हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूटो हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल हेयर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम फ्रेंच पर्सन, मिशेल डे मोंटेग, यहाँ सारे सेंट थॉमस एक्वानस, ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों ने कुछ थ्योरीज प्रपोज की थी. थ्योरीज यानी कि जरूरी नहीं है कि उसे प्रैक्टिकल में यूज किया ही गया होगा, लेकिन इन्होंने कुछ थ्योरीज इम्प्लीमेंट की थी लाइफ में, जिसको यूटिलाइज करके ऐसा मतलब कहा गया था कि इस जिसको अगर यूटिलाइज उनके अकॉर्डिंग अगर इन चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं अपने सोसाइटी में, अपने लाइफ में, तो हम कुछ बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं, लिविंग अरेंजमेंट जो है हमारा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमारा, वो इंक्रीज किया जा सकता है. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर प्लूटो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर थे. प्लूटो का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा अगर आप फिलॉसफी में ध्यान देते हैं या फिर आप
साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो प्लूटो का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है. ही गेव अ वेरी एक्सट्रीम मेथड. एक्सट्रीम मेथड मतलब उनके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने सजेस्ट की थी विच इज एक्चुअली यूजफुल इन योर लाइफ. बट वन ऑफ हिज थ्योरीज वर वेरी एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थी, जहां पर उनका ये मानना था कि अगर हम बच्चों को अपने पेरेंट्स के या अपने घर के अंदर रखने से ज्यादा हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहां पर बच्चों को पैदा होते ही वहां पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ठीक है. उन्हें स्टेट के प्रॉपर्टी की तरह रेस किया जाएगा, ठीक है. उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट्स, ठीक है, बचपन में उन्हें सारे स्किल सेट सिखाए जाएंगे और जिस भी स्किल सेट में वो अप्रोक्सीमेट एक्सपर्ट बन जाते हैं उस स्किल सेट को वो परस्यू करेंगे खुद से और उनको उसी स्किल सेट पर सिखाया जाएगा. मान लीजिए अगर कोई आर्चर बनना चाहता है तो उसका बचपन से इंटरेस्ट है अगर आर्चरी में तो उसे सिर्फ आर्चरी सिखाई जाएगी, वो उसमें एक्सपर्ट बनाया जाएगा. हालांकि और भी चीजें उसे पढ़नी होंगी और भी चीजें उसे सीखनी होंगी बट आर्चरी पे उसका मेन फोकस रहेगा. अगर कोई बच्चा है जिसको पेंटर बनना है, जिसको पेंटिंग या आप कह सकते हैं पॉटरी उसका मेन एजेंडा है लाइफ के लिए, तो उसे रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर्क विल बी टॉट. मतलब बाकी सारी चीजें ऐसा नहीं कि नहीं सिखाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी बट उसका मेन फोकस लाइफ में होगा कि वो बहुत अच्छी पॉटरी सीख सके, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सके अकॉर्डिंग टू वट एवर टैलेंट ही वॉन्ट्स टू ग्रूम. और उन्हें इस तरह एजुकेट करके, एक एजुकेशनल सिस्टम की तरह एजुकेट करके उन्हें डिफरेंट फॉर्म ऑफ कास्ट में बांटा जाएगा. जैसे द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स विल बी इन वन सेक्शन, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स विल बी द फाइटर्स, ठीक है. ये सारी चीजें हमारी उस कास्ट में उनके स्किल सेट के हिसाब से उन्हें बांटा जाएगा एंड देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्जियन और फॉर टेकिंग केयर ऑफ द सिटी, ठीक है. उनका जो लिविंग एरिया था जहां पर भी वो रहते हैं उन्हें वहां भेजा जाएगा और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट, ठीक है. उनका ये मानना था, ठीक है, कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो मतलब आप बहुत जगह, मतलब होलिस्टिक का क्या मतलब होता है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग दैट यू बिलीव इन, ठीक है. मान लीजिए कि अगर आप बिलीव करते हैं कि दैट इफ यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो स्पीकर, एक अच्छे स्पीकर का क्या क्या जॉब प्रोफाइल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि काम करना, तो जैसे अभी भी बहुत सारे लोग आपने देख सुना होगा कहते हुए कि जो काम आपको अच्छा लगता है वो आप कितना भी करें यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड और वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड इन वर्किंग अ लॉट, राइट. तो यही चीज प्लूटो भी कहना चाह रहे थे कि जिस काम में आप खुद से करना चाहते हैं, जिस काम में आप लाइक यू आर बॉर्न टू डू समथिंग, ठीक है, और अगर वो समथिंग आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है तो आपको काम करने में और ज्यादा आसानी होगी एंड इट विल बी अ नेचुरल टैलेंट टू बी नर्चर, ठीक है. सो ही बिलीव दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली. मतलब उनका ये कहना था कि अगर कोई टैलेंट है और इंटेलिजेंस है इसे जेनेटिकली नहीं बांटा जा सकता. जैसे अगर मेरे फादर बहुत ब्रेव हैं, मेरे फादर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं इन आर्चरी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और इट कैन नॉट बी, आई कैन नॉट गेट दैट टैलेंट बाय जेनेटिक्स ओनली, ठीक है. सिर्फ मेरे फादर हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, इस वजह से मुझे ये टैलेंट नहीं मिलेगा. मुझे उस टैलेंट को नर्चर करना पड़ेगा, ओनली देन आई वुड बी अ गुड आर्चर इफ आई वॉन्ट टू, ठीक है. तो यहाँ पर उनका यही कहना था कि अगर उन्हें इस सिस्टम को वो रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और जो बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, जिस भी एस्पेक्ट में, जिस भी स्किल सेट में उसका उसका खुद का मन लगता है वो उस चीज को फॉलो अप करके पैशन की तरह फॉलो अप करेगा, ठीक है. तो ऑल्दो ही प्रपोज्ड सिस्टम फॉर सिलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन फॉर एजुकेशनल माइनॉरिटीज ऑफ द पब्लिक पॉपुलेशन डज नॉट रियली फॉलो अ डेमोक्रेटिक मॉडल. मतलब यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेटिक ना होने की वजह से, मतलब इसे तानाशाह की तरह माना जा रहा था. लोग उसे, लोगों को जब प्लूटो
प्रूडो ने बताया कि ये वाला जो मेथड है अगर हम इसे यूज करें तो हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लोगों को डेमोक्रेसी नहीं दिखी, यानी कि लगा कि हम तानाशाह की तरह बच्चों को अलग कर दिया जाए, लाइक दैट देवर बेसिकली कंसिडर देवर कंसिडरिंग द इमोशंस ऑफ अ मदर जिससे बच्चे छीन लिए जा रहे हैं बचपन में ही, या जो बच्चे हैं उनको कोई इमोशनल एस्पेक्ट नहीं रह जाता है उनके अंदर क्योंकि फादर मदर का उनको प्यार नहीं मिला. दोज थिंग्स वर लाइक नॉट गेटिंग दोज थिंग्स दे थॉट दैट उनकी फ्रीडम को वहां से छीना जा रहा है. दैट्स वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज नॉट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक मॉडल. दैट्स वाई इट वॉज नॉट कंसिडर्ड और नेवर इम्प्लाइड इन दैट काइंड ऑफ सोसाइटी. ठीक है, उन्होंने कभी इम्प्लाई नहीं किया इस चीज को. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल ने कहा कि जो भी हैबिट होता है, जो भी अच्छी आदतें होती हैं, उन्हें हमें सिस्टमैटिकली हैबिट मतलब बार बार रिपीटेडली वो चीज करनी पड़ती है, तब जाके वो हमारी हैबिट में डेवलप होती है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन हैबिट. ठीक है, लाइक अगर आपकी हैबिट है लेट उठने की, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन लेट उठे तो उसके बाद से फिर आप लेट ही उठ रहे हो. ठीक है, आपको हैबिट हुई है क्योंकि रिपीटेशन कर रही हो, एक दिन लेट उठे, दूसरे दिन लेट उठे, फिर हर दिन आप सोच रहे हो कि लेट ही उठ रहे हैं. अगर मैं 8 o'clock उठ रहा हूँ और मेरी जो क्लासेस हैं 9 o'clock, मैं एक घंटा में तैयार होकर 9 o'clock वाली क्लासेस अटेंड कर ले रहा हूँ, तो मैं कोई भी बच्चा यही सोचेगा, एनी स्टूडेंट वुड थिंक कि जब मैं 8 o'clock उठकर 9 o'clock से अपनी क्लासेस अटेंड कर ले रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है उससे पहले उठने की, राइट? It becomes a habit because you think that repeating it would not harm you. आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई हार्म नहीं है अगर मैं 8 o'clock उठ रहा हूँ, तो इसकी वजह से ये habit repeat हो रही है. That's why it becomes a habit that you are sleeping till 8. लेकिन यही चीज को अगर आप जबरदस्ती 5 बजे उठने की कोशिश करोगे, 5 बजे का अलार्म लगाओ, ठीक है, एक दिन नहीं उठोगे, दो दिन नहीं उठोगे, तीसरे दिन क्या पता उठ जाओ 6 बजे उठो, फिर चौथे दिन 6:30 में उठ रहे हो, फिर पांचवे दिन आप 5 o'clock पे उठ जा रहे हो, 5:30 पे उठ जा रहे हो, मतलब धीरे धीरे आपको रिपीटेडली अपने आप को कमांड देना है दैट यू आर गोइंग टू गेट अप एट 5 o'clock. तो यहाँ पर जब आप रिपीटेडली कमांड दे रहे हो तो कभी ना कभी वो चीज़ आपके हैबिट में बैठ जाएगी, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब 5 बजे बिना अलार्म के आप खुद ही उठ जाएंगे, बिकॉज योर मेमोरी विल सेंड commands to your whole body and आपका नींद अपने आप वहां पर खुल जाएगा. Understood? So that is what Aristotle said, कि कोई भी अगर habit आपको develop करनी है, it should be emphasized on balancing the theoretical and practical aspect. मतलब पहले तो उसे repeatedly use करना होगा, तभी वो habit जो है वो develop होगी. दूसरा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसे theoretical और practical aspect में बैलेंस करना होगा, यानी कि अगर मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ तो उसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, तभी आप पढ़ोगे उसको, राइट? अगर कोई यूज नहीं है तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरी थिंग वट एवर वी आर लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड थ्योरिटिकल पर्पज. ठीक है, सिर्फ पढ़ के आप उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो कोई फायदा नहीं है. ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है उसका यूटिलाइजेशन, या आपकी लाइफ में आपको लगता है कि यूटिलाइजेशन नहीं होगा इसीलिए नहीं पढ़ रहे हो, नहीं, उस थ्योरी का एक्चुअल में कोई रियलाइजेशन होना चाहिए, कोई यूटिलाइजेशन होना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि नहीं हो, दैट इज नॉट द मैटर है. एक्चुअल प्रैक्टिकल पर्पस उसका बस एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, लाइक इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर रीडिंग, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ आप रीड कर रहे हैं, तो रीड करने से मैं बताती हूँ क्या क्या आपको डेवलपमेंट होता है. आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है इफ यू आर रीडिंग, आपका फ्लो ऑफ जो रेसाइटेशन होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ रेसाइटेशन, आप पढ़ते पढ़ते एक फ्लो डेवलप कर लेते हैं जिससे आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी हो जाती है, आपका फ्लो अच्छा हो जाता है. थर्ड थिंग, आपको वर्ड्स कभी भी कम नहीं पड़ेंगे बोलने के लिए. दैट मीन्स इफ ऑन द स्पॉट आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो एटलीस्ट यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज वट एवर यू आर रीडिंग, उस नॉलेज के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ बोल सकते हो. ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट आपकी होती है इफ यू आर कंटिन्यूसली रीडिंग समथिंग, चाहे वो हिंदी में रीड कर रहे हो, इंग्लिश में रीड कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो रीडिंग, इफ यू आर डूइंग इट इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हैबिट दैट व्हेनेवर यू आर
talking to some person in any language, whatever language you are using, you are not short of words. ठीक है, आपको words कभी भी कम नहीं पड़ेंगे. So every habit is developed by repetition of it, of the use. ठीक है, and everything that you learn has to have a theoretical and practical aspect. इतना यहाँ पर इस paragraph में बताया गया. Next, यहाँ पर during the medieval period, the idea of parallelism was first formulated by Saint Thomas Aquinas. Parallelism क्या है? Parallelism ये है कि जब आप one should teach those things deemed to be everlasting importance to the people everywhere. मतलब यहाँ पर parallelism का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ाया जा रहा है आपको या आप पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं हमेशा आपके यूज की होनी चाहिए. दैट मीन्स इफ यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ने का यूटिलाइजेशन आपको लाइफ में हर जगह होना चाहिए. अंडरस्टूड? हर जगह आपको वहां पर मैथ्स यूटिलाइज करना है, तभी आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो, जैसे एथिक्स पढ़ते हो, तो एथिक्स एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए जरूरी है, एज अ कमिट एज अ लाइक एम्प्लॉय इन एनी कंपनी आपके लिए एथिक्स बहुत जरूरी है पढ़ना. ठीक है, तो उसका यूटिलाइजेशन हर जगह होता है, हर किसी को करना होता है. दैट इज व्हाई दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली. सो दोज थिंग्स दैट यू स्टडी बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस ऑफ एवर लास्टिंग एंड एवरीवेयर, दीज आर कॉल्ड पैरेललिज्म. ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स नेमली प्रिंसिपल एंड रीजन, नॉट जस्ट फैक्ट्स. सिर्फ फैक्ट के लिए नहीं पढ़ाना है, प्रिंसिपल है, उसका रीजन है कुछ इस वजह से. जैसे मैंने नाउन के रूल्स जब बता रही थी बाकी क्लासेस में, आपकी क्लासेस में भी दो चार रूल मैंने बताए हैं, तो रूल्स बताने का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक्चुअल में कोई रूल है, कोई वजह है. दैट्स वाई सम थिंग्स एग्जिस्ट एंड समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट. अंडरस्टूड? So one should teach first about people, not machines or technology. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें लोगों के बारे में जानना चाहिए. That means we have to build a society first and then we have to think about machines and technology, which is an indication of your development. यानी कि हमें पहले सोसाइटी बनानी है, उसके बाद हमें यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में सोचना. Understood? It was originally religious in nature. मतलब ये जो थ्योरी थी पैरेललिज्म की, ये थ्योरी पहले रिलीजियस रिलीजन से रिलेटेड थी. ठीक है, लेकिन बाद में इसे थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया. जब बाकी स्कॉलर्स ने इन्हें पढ़ा तो इसको एक्सपैंड कर दिया गया और ये थ्योरी पैरेललिज्म में डेवलप कर दी. ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अबाउट अ फ्रेंच पर्सन, माइकल डे मॉन्टेग्ने. ये critically look, he has a critical look about education. मतलब education उन्हें ठीक नहीं लगा था, unusual for his time. Montaigne was willing to question the conventional wisdom of the period. मतलब उनके time में बाकी सब जब बहुत आराम से सब कुछ जो वहाँ पर चल रहा था उसे accept कर ले रहे थे, उन्हें जो natural conventional method था पढ़ाने का या जो भी कुछ करने का, वो उसके अगेंस्ट जाते थे. ठीक है, कॉलिंग इन टू क्वेश्चन द होल एडिफाइस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम. जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको वो क्वेश्चन करते थे, जैसे आज हम लोग भी करते हैं. ठीक है, लेकिन वी हैव बीन डेवलपिंग. ठीक है, एंड द अदर कंट्रीज हैव डेवलप्ड, बट एट दैट टाइम ऑफ एट दैट टाइम एंड इन 16th century, इन 16th century पीपल वर नॉट कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, वर्ल्ड वाइड में कनेक्शन उतना बहुत ज्यादा नहीं था. सो फॉर हिम टू क्वेश्चन द education system at that period of time, it was a very huge, you can say a very huge step for an individual. Theek hai? And implicit assumption that university educated philosophers were necessarily wiser and uneducated farm workers, for example. मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि जो education system है उसे इस तरह बना दिया गया है कि जो actual scholar है, जो university से passed out है, उनके पास शायद इतनी नॉलेज ना हो या वो इतने समझदार ना हो जितना एक अनएजुकेटेड फार्मर है. ठीक है, जो अनपढ़ फार्मर है जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी हो या फिर कभी बहुत एक फॉर्मल एजुकेशन डिग्री नहीं हो उसके पास,
फिर भी उसके पास समझदारी ज्यादा है उस पर्सन से जिसने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया है, विच आई थिंक इट इज अ वेरी कॉमन इंस्टीट्यूशन नाउ डेज ऑल्सो. पीपल थिंक दैट लाइफ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, विच इज नॉट बीइंग ट्रीटेड टीच्ड टू द स्टूडेंट्स एट स्कूल एंड कॉलेजेस, रादर देन दे फाउंड आउट व्हेन दे आर वेरी रिजिड इन देयर रूल. जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, वो अपने ही वे में रिजिड हो जाते हैं, तब जाके उन्हें बताया जाता है कि हाउ यू हैव टू बिहेव विद एन एम्प्लॉय एंड ऑल. तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली दीज वर द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन द पैसेज. अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग द पैसेज यू कैन आस्क मी. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन यू कैन गो हैड एंड जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, what is the difference between the approach of Scots and Scots and Aristotle? Scots and Aristotle ke approach mein, life approach mein kya difference tha? Aristotle ka approach humne padha tha, yahan pe Scots ka kya approach tha? He emphasized on questioning his learners, listeners to bring out their own ideas. Iska matlab ye hua ki Scots jo hai wo जो भी उसके स्टूडेंट थे उसे, उन्हें जो भी आइडियाज वो पढ़ाता था उसे क्वेश्चन करने के लिए बोलता था. दैट मीन्स यू शुड अपोज मी, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे अपोज करो, ताकि जो उसके लर्नर्स है, जो उसके स्टूडेंट है, उनका अपना आइडिया डेवलप हो, अपना खुद दिमाग वो लगाएं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब टीचर्स कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं. यू शुड हैव योर ओन ब्रेन to have an emphasis on whatever you are learning. Okay, so this is the part that Scots were was emphasizing, and Aristotle kya keh rahe the, that you have to develop, teachers should lead their students systematically, and that the repetition, okay, systematically way mein hame teachers ko padhana chahiye student ko, aur repetition matlab koi bhi good habit banane ke liye hame repetition karna hai. So do you find anything in this options that represents the difference between Scots and Aristotle's teaching? You can answer with the chat box itself. Aap chat box mein 1, 2, 3, 4 likh do, jo bhi option aap choose karna chahte hain, or you can just unmute yourself one by one and answer. Please do not sit quietly, mutely. ठीक है, मैं at least 20 minutes से आपको पूरा passage पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ. मेरे ख्याल से आपको answer कर देना चाहिए इसका बहुत आसानी से. Option one is Aristotle felt the need of for repetition to develop good habit in student. Scots felt that student need to be constantly questioned. Aristotle question option two hai aapka. Aristotle felt the need for rote learning. Scots emphasized on dialogical learning. Okay. Third is there is no difference, and fourth option is Aristotle emphasized on importance of paying attention to human nature, and Scott emphasized on upon science. I only have one answer. बच्चे यहाँ पर at least इतना attendance है कि मेरे पास 10-20 answer आ सकते हैं आराम से. So I need more answers from you. जो भी स्टूडेंट है, इवन इफ यू डोंट वांट टू स्पीक अप, आप अगर बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, या बोलने में बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप यहाँ चैट बॉक्स में मुझे लिख के आंसर बता सकते हैं. बट आई शुड नो द आंसर. ओके, आई हैव टू आंसर्स. एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर? यू हैव द स्क्रीनशॉट विद योरसेल्फ, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट पैराग्राफ जिसमें एरिस्टोटल और स्कॉट्स के बारे में लिखा गया है. फिर से पढ़ लो, ऑप्शंस रीड कर लो. माय स्क्रीन पे है ऑप्शंस. जस्ट गो थ्रू विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी वेल. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर. We have 1:45 अभी टाइम हो रहा है. We have 15 minutes. In 15 minutes, I believe we can solve 5 questions if you answer within time duration.
एक एक क्वेश्चन के लिए आप तो 5-5 मिनट लेंगे तो नहीं होगा, 1-1, 2-2 मिनट्स अगर आप लेंगे तो 1 मिनट मुझे समझाने में भी लगेगा व्हाई द आंसर इज करेक्ट। ओके आई हैव 3 आंसर, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर? Yes, I'm still waiting for your answers, which 1 minute ho gaya hai. I use some symbol in between. Question number or option mein, yahan par dono mein number use hua hai na, so some symbol might be helpful to understand what you're writing. Point de dijiye ya comma de dijiye ya fir ब्रैकेट में करके ऑप्शन लिख दीजिए, बट एटलीस्ट सम सिंबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन। यस सो आई हैव 4 आंसर्स, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर? Okay, since most of you are keeping quiet, जितने बच्चों ने आंसर किया है, I'm considering them and I'm giving you the answer. Okay. This is the answer. Option, first option is correct. Their approaches were different and their different is quite explained in the paragraph 4. Paragraph 4 है, यहाँ पर explain किया गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है that Aristotle felt the need of repetition. यहाँ पर देखो पढ़ाया भी था, यही चीज बताई थी that he needed that repetition should be used as the key tool to develop good habit. This was Aristotle. And what was Scott's thinking? Scott thinking that the listeners, he emphasized the listener question themselves or the Scott's so that they can bring their own ideas. So this option number 1 is the correct answer. ठीक है, यहाँ पर क्या इम्फोसाइज किया था उसने? इम्फोसाइज ये किया था कि आपका जो अरिस्टोटल है, ही इम्फोसाइज दैट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर हैबिट्स डेवलप करनी है, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है बाय रिपीटिंग द मेथड्स। ठीक है, मेथड्स जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे रिपीट करिए बार बार, ताकि आपके जो भी यू कैन से गुड हैबिट्स शुड बी डेवलप्ड। और स्कॉट्स ने क्या कहा था कि आपका खुद का अपना माइंड होना चाहिए, दैट मीन्स इफ आई एम टेलिंग यू टू वेक अप एट 5 AM, दैट डजंट मीन कि आप 5 AM पे ही वेकअप करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 5 AM पे ही आप अवेक हो जाएं। ठीक है, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए दैट वाई शुड आई बी अवेक एट 5 AM। 5 बजे उठ के मुझे करना क्या है, मुझे कोई काम है ऐसा जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? अगर मान लीजिए कि आपका टेस्ट है तो आप 5 से 6 उठकर पढ़ सकते हो, 5 से 7 उठ के पढ़ सकते हो, राइट? अगर नहीं है कोई टेस्ट, यू आर मीनवाइल रिलैक्सिंग और सम अदर रीजन, आप रात में पढ़ते हो या फिर आपको रात में पढ़ने की आदत है, तो आप दिन में सुबह 5 बजे क्यों जगोगे? देयर शुड बी अ रीजन, दैट्स व्हाट स्कॉट्स सेड। ठीक है, स्कॉट्स का यही मानना था कि अगर आप स्पेसिफिक कुछ फॉलो कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन करना सीखिए, क्वेश्चन का आंसर जब मिल जाए आपको पास, व्हाई शुड बी डू दैट एंड व्हाट इज द बेनिफिट टू डू दैट, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, कैन आई लिव विद द डिसएडवांटेजेस, ये सारे क्वेश्चन जब आंसर हो जाए, देन यू हैव टू बी सैटिस्फाइड, व्हेन द ऑल द क्वेश्चंस आर सैटिस्फाइड देन यू कैन अप्रोच द रेपिटेशन मेथड। ठीक है, तब आप आंसर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू एजुकेशनलिस्ट कंसिडर फिलोसफी अ वीक और बोली फूल? ये आपका आई बिलीव पैराग्राफ 1 या 2 में है इसका आंसर। यस, पैराग्राफ 2 में इसका आंसर है। ये आपको पता है कि दे कंसिडर वीक एंड बोली क्यों कंसिडर करते थे, ये ऑप्शंस में यहाँ पर अवेलेबल है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, इट्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आर इजिली अंडरस्टूड,
इट इज इररिलेवेंट फॉर एजुकेशन एंड नन ऑफ द अबव. ये आपके ऑप्शंस. नाउ आंसर इट एज फास्ट एज यू कैन. गो थ्रू द पैराग्राफ इफ यू वांट, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसका आंसर दीजिए. आई वांट द आंसर विद इन एट लीस्ट 2 to 3 minutes. 2 से 3 मिनट दे रही हूँ एक क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा है. ओके जस्ट रीड द पैराग्राफ फास्ट फास्ट, जितना हो सके आपको फर्स्ट या सेकेंड लाइन में ही उसका आंसर मिल जाएगा. सो गो थ्रू द पैराग्राफ फास्ट फास्ट एंड यू कैन आंसर एज फास्ट एज यू कैन. I'm still waiting for the answers from others. There is only 1 minute left. 1 minute में अगर आपने आंसर किया तो ठीक है, otherwise I will answer obviously. Okay, let's have a look at this. Till the time I'm explaining, rest of the students, if they want to answer, they can answer. So, yeah, answer हमारा question paragraph 2 में है, ठीक है? Many educationalists consider it a weak and woolly field, it मतलब philosophy, too far removed from the practical application of the real world to be useful. See, first line you get the answer. First line you can get the answer. यहाँ पर क्यों यहाँ पर कहा गया है बाकी educationalists ने? It is not practically applicable. Its theory concept are easily understood. It is irrelevant of education. First option aapko given hai yahan par. It is not applicable in the real world. Theek hai, iska application practical life mein iska application bahut kam sab logo ko lagta hai. But the thing is ki you can apply any philosophy in your life. Only thing is that you have to work a little bit harder than any other things. ठीक है, बाकी चीजों के लिए जितना आपको हार्डवर्क करना पड़ता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है किसी भी अच्छी फिलॉसफी को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैरेललिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू द गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? प्लीज आंसर इट अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंशन, डू नॉट गूगल सर्च इट. वुली, वुली मीन्स की बहुत पेचीदा, ठीक है, जिसको यहाँ पर बहुत मतलब आसान भाषा में अगर बोले तो बस बोल देने वाली कोई चीज, ठीक है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में, या जिसका आप कह सकते हैं कि मतलब फिलोसोफर्स को माना जाता था कि दे आर द वन हु आर जस्ट सेइंग सम थिंग्स विदाउट एनी एक्चुअल प्रूफ इन लाइफ. यहाँ लाइफ में बिना किसी एक्चुअल प्रूफ के या बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, they are just making theories up in their mind, and that's why woolly bird is basically, it is used because it is considered weak. Weak matlab kamzor samjha jata tha, aur woolly matlab bechida, matlab isko practical life mein isko applicate, jaise Pluto ne yahan par jo extreme method bataya ki bachcho ko hum apne ghar se hata de aur unko bahar rakhe, उनको पढ़ाया बढ़ाया जाए, उनका स्किल सेट डेवलप किया जाए बचपन से, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ थिंग है. तो यहाँ पर वुली मतलब होता है बेचता, इसको आप एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी चीजें जो है फैक्टर्स जो है मैटर करती है, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट यू मीन बाय पैनलिज्म. पैनलिज्म
पूरा समझा दिया मैंने क्या है. इट रेफर्स टू समथिंग विच इज ऑफ सीजलेस इम्पोर्टेंस. ऑफ सीजलेस इम्पोर्टेंस, सीजलेस मतलब सीज का मतलब होता है रुक जाना, सीजलेस मतलब बिना रुके, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस का. ठीक है. इट रेफर्स टू समथिंग विच इज क्वाइट अननेसेसरी. इट रेफर्स टू समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरेटिकल. इट रेफर्स टू समथिंग विच एग्जिस्टेड इन द पास्ट एंड नो लार्जर एग्जिस्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्ट नाउ. सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर पहला मैंने बता दिया सीजलेस का मतलब जो कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा ये इम्पोर्टेंस रखेगा. पेनलेसनेस का मतलब ये ऐसी चीज को रेफर करता है जो कि अननेसेसरी है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरेटिकल. एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़. ठीक है. तो एक बहुत बड़ी थ्योरी का ये एक निचोड़ है और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं है. इट एग्जिस्ट, ये बहुत पुराने जमाने में एग्जिस्ट किया करता था जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है. दैट इज द ओनली थिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. पैसेज के अकॉर्डिंग आपको मैसेज का आंसर करना है. यहाँ पर डेफिनेशन नहीं मांग रहा है. सो यू कैन नॉट जस्ट गो एंड गूगल सर्च इट. यू हैव टू रीड द पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन माइंड कि व्हाट इज पैनलिज्म रेफर टू हियर. If you don't remember, let me again tell you what do you mean by parallelism. Parallelism यहाँ पर Saint Thomas Aquinas ने बताया था. ठीक है. Medieval period के time पर. ठीक है. Medieval मतलब बहुत पुराने time पे बोला गया है, जहाँ पर थोड़ा सा civilization हमारा develop हुआ था, civilized area में लोग रह रहे थे, उस period को हम medieval period कहते हैं. तो यहाँ पर parallelism का मतलब ये बताया गया है कि आपको उन चीजों को पढ़ना है. ठीक है. वन शुड टीच दोज थिंग्स डीम्ड टू बी ऑफ एवरलास्टिंग इम्पोर्टेंस. मतलब हमेशा हर जगह काम आए इस चीज, उन चीजों को हमें पढ़ना है या पढ़ाना है. एंड नॉट जस्ट द फैक्ट, मतलब सिर्फ फैक्ट नहीं बताना. मतलब अगर मैं कोविड के बारे में पढ़ा दूँ तो सिर्फ मुझे कोविड का डेफिनेशन नहीं बताना है, वायरस का डेफिनेशन नहीं बताना है, हाउ इट जनरेटेड, हाउ इट इन्वेंटेड, ये सारी चीजें फैक्ट्स हो गए. इसके अलावा क्या बता सकती हूँ कि इफ इन फ्यूचर कोविड को हम अगर ओवरकम कर जाते हैं, कोविड एक माइनर बीमारी बन जाता है हमारे नियर फ्यूचर में, उसके बाद हम अगर नियर फ्यूचर इस टाइप का कहीं आउटब्रेक हो तो उससे कैसे बचे, हाउ कैन वी कीप आर सेल्फ सेफ एंड आर फ्यूचर जनरेशन सेफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ आउटब्रेक्स. ठीक है. ये चीज आपका पैनलिज्म में होगा. मतलब हमेशा लास्ट करे, चाहे कोविड जो है वो एक बार किसी के लाइफ में आए, चाहे एक से ज्यादा बार किसी के लाइफ में आए, इस तरह का आउटब्रेक कभी भी हो, अगर आप एक इंस्ट्रक्शन जो है जनरेशन टू जनरेशन फॉलो अप करते हैं, जैसा जापान ने किया है. जापान ने आफ्टर द सार्स आउटब्रेक जो हुआ था, उसके बाद से उनका लाइफस्टाइल पूरा का पूरा चेंज हो गया. दे हैव बिकम अ लॉट ऑफ, दे हैव एक्सेप्टेड अ लॉट ऑफ हेल्दियर ऑप्शंस. ठीक है. और उनकी ये सारी चीजों की ही वजह से वहां पर जापान में बहुत कम लोग इफेक्ट हुए थे कोरोना वायरस की वजह से. ठीक है. तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताना है आपको, ऐसी चीजें सिखानी है. पैनलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें आप सिखा रहे हैं जो एवरलास्टिंग है. एवरलास्टिंग मतलब हमेशा आपके या आपके फ्यूचर जनरेशन के काम आएगी. ठीक है. ओके. So anyone else who would like to answer? I do have one answer, and other than that, मेरे को यहाँ पर कोई answer नहीं मिला है. So if you can't answer or you are not understanding how to answer, let's move on. ठीक है. ताकि question छूटे ना. Question number one is the option number one is the answer. ठीक है. You can look here. Option one is the answer. Penniless यहाँ पर penniless मतलब मैंने समझाया ना कि आपको यहाँ पर हर एक जगह आपको काम है. सीजलेस इम्पोर्टेंस का भी मतलब बता दिया था. सीजलेस इम्पोर्टेंट मतलब जिसका इम्पोर्टेंस, जिसकी जरूरत कभी भी खत्म ना हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर, लेट मी यस, जितना जल्दी हो सके इसका आंसर करिए, टाइम आपको हो चुका है बहुत ज्यादा. वेयर्स प्लूटोज बिलीव अबाउट एजुकेशन, व्हाट्स
were Pluto's belief about education democratic. मतलब प्लूटो का पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो बिलीव था वो डेमोक्रेटिक था या नहीं. वेरी इजी आंसर, प्लीज डोंट टेक मच टाइम फॉर दिस. स्पेसिफिकली लास्ट लाइन में बताया गया है, प्लूटो वाला जो पैराग्राफ है, रीड द लास्ट लाइन, रीड द लास्ट लाइन, यू विल गेट द आंसर. आई वॉन्ट मोस्ट ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर. एक मिनट में फटाफट आंसर करो इसका. बहुत आसान आंसर है, लास्ट पैराग्राफ जो प्लूटो का पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन में स्पेसिफिकली लिखा गया है. आई एम स्टिल नॉट गेटिंग एनी आंसर. आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द क्वेश्चन? ऑप्शन वन, ही बिलीव दैट ओनली द रिच हैव द राइट टू एक्वायर एजुकेशन. ऑप्शन नंबर टू, यस ही बिलीव द ओनली. Option number three, he believes the only a selected few are meant to attend schools. Option four, he believes that all pupils are not talented. Okay, I have two answers, three answers. फटाफट answer करिए इसका. Answer सबके पास है, सब फटाफट करिए. चलिए, वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन दिस, सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर. यहाँ पर आंसर जो होगा आपका, दैट इज स्पेसिफिकली आई हैव टोल्ड यू, इट इज मेंशन इन द पैराग्राफ हियर. प्लूटो का यहाँ पर जो पैराग्राफ है, यहाँ पर लास्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है. ऑल्दो हिज प्रपोज्ड एजुकेशन सिस्टम ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक एजुकेशन फॉर अ educated minority of the population does not really follow democratic model. It does not follow democratic model. ठीक है, democratic था या नहीं था, that was the question. Did it follow the democracy or not? Question number four was the answer. क्या होगा? He believed that all pupils are not talented. ठीक है, talent वहां पर डेवलप करनी चाहिए. ठीक है, he believed that the talent is not genetically given to the person, it is given. Second option आपका होगा, it is वहां पर जो talent था, it is not democratically believed. ठीक है, यहाँ पर believe जो है, I'm sorry, that is not correct answer. यहाँ पर were Pluto's belief about education democratic, मतलब उसका जो belief था वो democratic था या नहीं. यहाँ पर answer two is not the correct one. Answer fourth is, option fourth is the correct one. He did not believe that people are born with talent. He believed that the talent has to be nurtured. ठीक है, ये उसका belief था. अगर किसी को doubt है तो पूछ लो. Second answer इसका correct answer नहीं है. Let me remind you, ये जहां से भी मैंने लिया था ये question, गलत answer किया गया है. उसका belief democratic नहीं था. It is specifically mentioned here in the paragraph. ठीक है, really follow, it does not really follow democratic model. Okay, it was not democratic. Option fourth is the correct one. Question number five, why did Aquinas propose a model of education but did not lay much emphasis on facts? Option one, facts are not important. Option two, facts do not lead to holistic education. Option three, facts change with the changing time. Option four, facts are frozen in time. यहाँ पर देखिए आपका option जो है, we are talking about Saint Thomas Aquinas. यहाँ पर उसने क्यों education को not just facts, यहाँ पे बताया गया है ना, not just facts, सिर्फ facts पे यहाँ पर नहीं करना है. क्यों? One should teach first about people, not machines and technology. यानी कि यहाँ पर आपको फैक्ट्स क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स जो है वो क्या क्या होने लगता है. फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स जो है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, फैक्ट्स अगर आज की लाइफ में, अगर कोई फैक्ट के बारे में तुम सोच रहे हो कि दिस थिंग इज अ फैक्ट, पास्ट लाइफ में इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इट वॉजंट अ फैक्ट. ठीक है, फैक्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हर चीज के लिए फैक्ट इम्पॉर्टेंट है. Fact does not lead holistic education. Holistic education मतलब, let me tell you, frozen in time मतलब facts, frozen in time का मतलब, fourth option का मतलब मैं समझा दूँ तब तक. Fourth option का मतलब है कि आपका जो
यहाँ पर फ्रोजन इन टाइम का मतलब अगर अभी का कोई फैक्ट है तो यहीं पर फैक्ट रहेगा, उसके बाद आगे फ्यूचर में वो फैक्ट नहीं रहेगा. विच इज आई डोंट थिंक इट इज पर्टिकुलरली ट्रू बिकॉज देयर आर सम फैक्ट्स विच हैव बीन फॉलोअड अप टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. ठीक है, होलिस्टिक का मतलब होता है ओके अकॉर्डिंग टू philosophy characteristic by the belief that part of something and intimately interconnected to explicit. मतलब holistic का मतलब होता है interrelated to your life and everything. ठीक है, तो facts are okay, it can be the thing. नहीं, facts are holistic education because facts के बिना हमारा life नहीं चलेगा, but facts are changing the time, changing according to the time. This is the correct option. I hope whoever have answered get the answer right. And rest of the student, आपको मैं यहाँ पर